मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य सुबीर शास्त्री अहमदाबाद गुजरात, मेरा यूट्यूब चैनल आचार्य सुबीर शास्त्री में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने ऐसा लाइव प्रयोग बताऊंगा, यानी खतरनाक से खतरनाक वो मेरी पूजा होगी, आराधना होगी, भक्ति होगी, उसके माध्यम से किसी भी को, चाहे लड़का हो, चाहे आदमी हो, चाहे लड़की हो, चाहे औरत हो, उसको मोहित कैसे करें, उसको आकर्षण कैसे करें, यानी कोई भी राशि वाली हो, किसी भी जगह पे हो, कहीं भी आपको मिल गई तो उसको हम मोहित कैसे करेंगे, ताकि वो सामने से आपको लिफ्ट दें, सामने से आपको प्रेम का इजहार करें, सामने से आपको आपके आके आपको प्रेम का और आपको सच्चे मन से और उनसे रुचि से आत्मा से आपको प्रेम करने लग जाए। वो आज आपको मैं लाइव प्रयोग बताऊंगा। ये आप प्रयोग करोगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप किसी भी लड़की, औरत, आदमी, व्यक्ति के ऊपर ये प्रयोग अजमा सकते हो। इसको बोलते हैं नजर दृष्टि वशीकरण। नजर दृष्टि वशीकरण वो वशीकरण होता है जिसमें एक दूसरे की नजर मिलते ही वो सामने वाली लड़की या औरत या आदमी या लड़का नजर से नजर मिलते ही आपसे मोहित हो जाएगा और सामने से आके आपको प्रेम का इजहार करेगा और सामने से आके मोहब्बत करेगा और सच्चे मन से आजीवन आपके वश में हो जाएगा। ऐसा मैं नजर दृष्टि वशीकरण बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको ऐसा एक नजर दृष्टि वशीकरण का ऐसा एक कुंडली बनाना है और जो महाकाली के नाम का वशीकरण का जाप करके और वशीकरण का सात प्रकार का धूप आता है, उस धूप को पानी में, सभी सात प्रकार के वशीकरण धूप को पानी में डाल के उसको एक तरह का हम मिश्रण कर देंगे। मिश्रण करने के बाद में इस प्रकार का वशीकरण का हम एक टोटका करेंगे। ये मैंने इसमें सात प्रकार का वशीकरण का धूप पानी में इसमें गोल दिया है, इसका मिश्रण बना दिया है। मिश्रण बनने के बाद में ऐसे आपको वशीकरण का टोटका बनाना है। एक तरफ ये फूल बनाना है और एक तरफ ऐसी कुंडली बनाना है और कुंडली में इसी सात प्रकार के वशीकरण जो धूप लाया हूँ उसे ऐसे चार टीकी देनी है, इसके अंदर नौ टीकी देनी है, फिर नीचे तीन और आपको ऐसे चौरस में वशीकरण का टोटका करना है और इसमें भी एक एक जो सात प्रकार का वशीकरण का धूप है एक एक टीकी देना है और ऊपर इसमें ऐसे सात प्रकार का वशीकरण धूप का जो मिश्रण है उसमें गोला करना है, एक दो तीन, और फिर ऐसे इसमें चारों ओर ऐसे वशीकरण धूप की बिंदिया करनी है। बिंदिया करने के बाद में महाकाली का नाम लेके ऐसे पांच दीपक करना है और इस पांच दीपक के बीच में ये वशीकरण का टोटका किया हुआ है सफेद कागज के ऊपर, वो बीच में रखना है। बीच में रखने के बाद में ऐसा एक धूप जलाना है जो वशीकरण करते हैं, किसी को वश में करते हैं तो ये गूगल धूप या कोई भी गुलाब का धूप या कैसा भी धूप, साई धूप आप ले सकते हो। ये धूप के बगैर कोई वशीकरण लागू नहीं होता है। उसके बाद में खतरनाक से खतरनाक नजर दृष्टि वशीकरण में लाल मिर्ची का प्रयोग होता है, सूखी हुई लाल मिर्ची का प्रयोग होता है, क्योंकि जितनी लाल मिर्ची सूखी हुई तेज होती है, कड़क होती है, उसी प्रकार ये नजर दृष्टि वशीकरण बहुत ही कड़क हो जाएगा और एक बार में नजर मिलते ही वो लड़की, औरत या लड़का, आदमी लाइफ टाइम के लिए आपके वश में हो जाएगा, ये मेरा वादा है। अब इस सूखी हुई मिर्ची को ये वशीकरण टोटके के बीचों बीच रखना है और एक ऐसा नाड़ा छड़ी जो मोली बोलते हैं, मोली का दो धागा लेना है, दो धागा रख के उसके बाद में थोड़ा चावल लेना है, ये थोड़ा चावल ले लिए, इसमें वशीकरण टोटके में चावल डाल देना है और उसके बाद में थोड़ा कुमकुम डाल देना है। कुमकुम डालने के बाद में थोड़ा काला तिल होता है, काला तिल भी वशीकरण में बहुत ही उपयोगी है और काला तिल का प्रयोग करेंगे तो जल्दी से जल्दी नजर दृष्टि वशीकरण सामने वाली पार्टी के ऊपर लागू पड़ जाएगा। अब इसको ऐसे करके इसको फोल्ड कर लेंगे, इसको एक तरह का छोटी सी पड़ी का बना लेंगे,
जो हमने लाल मिर्ची, कुमकुम, चावल, लाल धागा डाला है, अब इसको हम ऐसा फोल्ड करके छोटी सी पटाखी बना लेंगे। ऐसे छोटी पटाखी बना के इसको लाल धागे से ऐसे गांठ मार के इसको पैक कर देंगे। ऐसे पैक करने के बाद में आपको वशीकरण, नर्ज दृष्टि वशीकरण का मंत्र करना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा। इसको अब ये अभी तैयार हुआ है, अब इसको मंत्रित करेंगे, वशीकरण मंत्र द्वारा मंत्रित करेंगे। मंत्रित कैसे होता है कि इसमें माता जी के नाम का 5 हम दीपक जलाएंगे, 4 दीपक छोटा होना चाहिए और 1 दीपक बड़ा दीपक होना चाहिए जो बीच में होना चाहिए, और ये धूप होना चाहिए, कोई भी धूप हो सकते हैं। और उसके बाद में हम इसको इस तरह हाथ में पकड़ के अब हम मंत्र बोलेंगे। मंत्र कैसे करना है, अगर आपको नजर दृष्टि वशीकरण का फायदा लेना है तो सच्चे मन से आपको एकाग्र माइंड से, एकाग्र दिमाग से आंखें बंद करके इसको मंत्र बोलना है। ओम क्लीं 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 चामुंडाई नमः, ओम लम 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 वशीकरम नमः, ओम सूर्याय ओम सूर्याय ओम सूर्याय ओम सूर्याय वशीकरम नमः, ओम महाकाली काल भैरवी नजर दृष्टि वशीकरण नमः, ओम काल भैरवी महाकाली सर्व 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 मम वश्यामि, ओम क्लीं 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 चामुंडाई नमः। इस प्रकार मंत्र करके इसको हम नजर दृष्टि वशीकरण को जो हमने पटिका बनाई है टोटका बनाई, इसको मंत्रित करेंगे। अब हमारी यह मंत्रित हो गया है, अब आपको इसको क्या करना है, इसको अपने पॉकेट में रखना है। आप पॉकेट में रखना है, जब भी घर से बाहर निकलते हो और कोई भी आपको औरत या लड़की, या लड़की या औरत को कोई भी आदमी या लड़का पसंद आ गया है तो ये अपने पॉकेट में से बाहर निकाल के इसके सामने 1 मिनट ऐसे मंत्र बोल के इसके सामने देखना, अपनी नजर इसके सामने डालनी और ऐसे मंत्र बोलना पड़ेगा। नजर रखे, ओम क्लीम 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 वश्यामी, ओम क्लीम 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 वश्यामी, ओम क्लीम 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 वश्यामी। 1 मिनट तक ये मंत्र करना है और अपनी नजर इसके सामने डालना, जो हमने वशीकरण का नजर दृष्टि वशीकरण का ये टोटका बनाया है। फिर अपनी नजर जो ये वशीकरण टोटका से हमारी जो नजर मंत्रित हो गई है, अब हम हमारी नजर जिसको हम चाहते हैं औरत को, लड़की को या कोई लड़की, ये मंत्रित करके इसको एक मिनट अपने सामने देखा है तो कोई भी लड़की अगर आदमी और लड़के को चाहते तो उसके सामने नजर से नजर मिला के आप 5 सेकंड देख लो ऐसे, तो वो सामने से आपके पैरों में गिर जाएगा, सामने से आपको प्रेम करेगा, सच्चा मन से प्रेम करेगी और आपको उसको कहने की जरूरत नहीं, वो सामने से आके लाइफ टाइम आपके वश में हो जाएगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है। दोस्तों भाइयों बहनों, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में अच्छी से अच्छी फायदेमंद जानकारी दे सकूं। नमस्कार।